खबर गाजीपुर जनपद से, जहां विकास खंड सादात के अंतर्गत ग्राम पंचायत आतमपुर छपरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अभिषेक मौर्य के नेतृत्व में कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार एवं जांच प्रक्रिया हेतु विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल पर मास्क वितरण एवं दवा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर कुमार विश्वास ट्रस्ट से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिषेक मौर्य ने ट्विटर पर हेल्प मांगा था, जिसे कुमार विश्वास ट्रस्ट के द्वारा तत्काल 5 दिनों के अंदर ही दवाओं की किट ग्राम पंचायत आतमपुर छपरा में भेज दिया गया, जो कि अभिषेक मौर्य एवं उनके सहयोगी आशीष कुशवाहा, अजय यादव, संगम विश्वकर्मा, राकेश प्रजापति, शैलेश यादव, पीजी कॉलेज छात्र नेता गाजीपुर संदीप विश्वकर्मा और बाबा विवेक यादव सहित तमाम कार्यकर्ता ने सुबह से ही अपने गांव में प्रचार प्रसार करते हुए शिविर का आयोजन किया एवं दवा वितरण जांच आदि की। देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस महामारी से बचने के लिए जितने भी उपाय और गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, उनका भरपूर पालन के लिए लोगों को जागरूक किया गया। गाजीपुर जनपद से अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, नेशनल खबर 9 से मैं अजीत कुमार। गाजीपुर जनपद के विकास खंड सादात के अंतर्गत ग्राम पंचायत आदमपुर छपरा में हम पहुंच चुके हैं। पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और पूरे देश को बचाने का बीड़ा स्वास्थ्य विभाग, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, स्वास्थ्य विभाग और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान 24 घंटे दिन और रात एक करके, पूरा चिकित्सा टीम भरपूर सहयोग करके जनता को बचाने में, नया जीवन दान देने में सहयोग कर रही है। उसी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान ग्राम पंचायत आतमपुर छपरा में आज कैंप लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंप लगाया गया है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। आप देखिए, विश्वास कुमार विश्वास ट्रस्ट के द्वारा ये दवाइयाँ भेजी गई हैं ग्रामीणों को वितरित करने के लिए, जो कोविड 19 से बचने का भरपूर प्रयास किया जाए और नई जिंदगी मिल सके। यहाँ पे सैनिटाइज की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे मास्क रखा हुआ है। कुमार विश्वास जी के द्वारा देशवासियों के नाम संदेश भी भेजा गया है, देशवासियों किस तरह से कोविड 19 से बचने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से आप बचे, कोविड 19 के नियमों का पालन करें, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन करें। आइए हम मिलवाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान। आइए भाई, आइए आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और वहीं से हमारा सेवा कार्य चल रहा था। जैसा कि लॉकडाउन की वजह से हम घर पे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक नगर इकाई सादात द्वारा जगह जगह घूम के सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, जो कि निजी खर्च से छात्र अपने खर्च से ही पैसे जुटा के कर रहे हैं। कोई ना तो फंडिंग है कहीं से, ना तो कहीं से कुछ कोई सामान प्रोवाइड हुआ है। और हाँ, कुछ दिन पहले हमने ट्विटर पे डॉक्टर कुमार विश्वास जी से एक हेल्प मांगी थी, जिसमें मेडिसिन हमें मिली है। 4-5 दिन बाद हमारे पास मेडिसिन आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कुमार विश्वास जी के ट्रस्ट से आप पूरा देश पूरे लाम पर है। जैसा कि इसमें संदेश भी लिखा हुआ है कुमार विश्वास जी की तरफ से, प्यारे देशवासियों, इसमें लिखा हुआ है कि कोविड से अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे हम अपने आपको सुरक्षित रखें। अच्छा, को जो ट्वीट भेजा गया है कुमार विश्वास जी के द्वारा, क्या इसे जो है कि सभी ट्रस्टों को दिया जा रहा है? ऐसा कोई नहीं है, जो भी ग्रामीण लेवल पे, एक ग्रामीण लेवल पे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना अति चरम सीमा पे था तो सब लोग मारे मारे फिरते थे, कहीं दवाइयां नहीं मिलती थी, कहीं मेडिकल भी इतनी भीड़ लग जाती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग बिना इलाज के मृत्यु हो गई लोगों की। ऐसे कंडीशन में कुमार विश्वास जी ने ग्रामीण लेवल पे सारी किट, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का काम किया है ग्रामीण लेवल पे, जहाँ पे सरकारें की सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी की ट्रस्ट के थ्रू दवाइयाँ पहुँची हैं। उसी के थ्रू आप भी अब मदद ले सकते हैं, कोई भी ग्रामीण कहीं भी, कोई भी ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति मदद ले सकता है, जो कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर उसको सारी मदद विश्वास ट्रस्ट के थ्रू मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये मदद केवल 5 दिन में मिली है, क्योंकि हमारा पिछले 1 हफ्ते से लगातार मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन जगह जगह कार्य किया जा रहा है, सेवा कार्य में हम लोग सफल हैं। और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, अभिषेक मौर्या जी ने धन्यवाद दिया है कुमार विश्वास जी का कि हमने ट्विटर के माध्यम से उनसे हेल्प मांगा और 5 दिन के अंदर ही उन्होंने हमारी समस्या को सुना, अवगत किया गया उनको, उन्होंने जो है कि वहां से किट भेजा जो कि हम ग्रामीण अंचलों में वितरित कर सके और लोगों की जान बचा सके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे नौजवान हैं, इन्होंने
हम अपने चैनल की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और जनहित की सेवा में। देख सकते हैं यह किट जो है वितरण किया जा रहा है, बुजुर्ग माता जी हैं और दवा दे करके उनको जानकारी दी जा रही है। 6.5 ml एक ढक्कन पूरा फूल लेके हुए ले के, अगर खांसी वसी आवा था बड़ा के बच्चन के 5.5 ml बड़ा के 6.5 ml लेके, ठीक है, दिन भर में 3 बार। इस समय की परिस्थितियां और परिवेश जो चल रहे हैं, 1000 रुपया फीस देने के बाद भी डॉक्टर दूरी से देख रहे हैं मरीज को, क्या दिक्कत है क्या पता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर फीस लेंगे। आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब हमको देख लेंगे, लेकिन इस जोचिए जन जागरूकता के अंतर्गत ये नौजवान स्वयं सामने रूबरू हो करके उनसे वार्ता करके उनकी बातों को सुन रहे हैं, गौरपूर्वक सुन रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह दवा खाना है, किस तरह सिरप पीना है। अब सोचिए कि जो 1000 रुपया फीस लेकर के आपसे दूरी बनाकर देख रहा है डॉक्टर, उसको डर है कि हमको कोरोना हो जाएगा। और जो आप देख सकते हैं इसमें हम गाजीपुर जनपद के विकास खंड सादात के अंतर्गत ग्राम पंचायत आतमपुर छपरा में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे जनपद में पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जा रहा है COVID-19 से बचाव हेतु, सुरक्षा हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उसी के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है छपरा गांव पड़ता है आतमपुर छपरा, आतमपुर छपरा में एक कैंप लगाया गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों का पल्स चेक किया जा रहा है ऑक्सीमीटर द्वारा, उसके बाद जो है कि टेम्परेचर नापा जा रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान हमारे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुमार विश्वास के ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे दवाइयाँ भी वितरित करने के लिए भेज दी गई हैं जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देख रेख में संचालन में दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों में गजब का उत्साह है जो कि अपनी जाँच करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी लोग जो जहां से सुन रहा है वहां से भागे भागे दौड़े आ रहा है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई हैं वो बहुत दूरी पे हैं, हॉस्पिटल दूर है, जिला चिकित्सालय दूर है, आदमी वहां जा नहीं पाता है, इसलिए जो है सरकार की सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनपद इकाई सादात के अंतर्गत ये जांच का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं नौजवानों में गजब उत्साह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव तत्पर है 2400 घंटे सेवा करने के लिए जनता की, हॉस्पिटल पे, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे, बाजार में, चट्टी चौराहे पे, गांव में, गलियों में सैनिटाइज कर रहा है घूम घूम कर, जो कि स्वयं अपने खर्च से, न कि कोई सरकारी उन्हें बजट मिलता है जो कि विकास के लिए या सैनिटाइज करने के लिए, ग्राम प्रधानों द्वारा जो किया जा रहा है तो भगवान ही जाने वो सैनिटाइज करेंगे या कराएंगे, कब करवाए कब नहीं करवाए, जिनका शासन बीत गया वो भी करे किए करवाए अगले साल भगवान जाने। लेकिन जो जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकदम लगनशील है और लगनशीलता के कारण ही एक पहचान बनी हुई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के प्रणेता हैं उन्हें बहुत ही गर्व के साथ कहा जाता है, चलते रहो थको नहीं, झुको नहीं, अपने कदम बढ़ाते रहो, जब तक सफलता न मिल जाए तब तक चलते रहो। उसी के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन्हीं के दिखाए गए मार्गों पे चलता है, ज्ञानशील और एकता को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस नेक कार्य के लिए बहुत ही चर्चा में चल रहा है इसमें, और गाजीपुर जनपद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवान दिन और रात एक साथ सदैव सेवा में तत्पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन का दवाई है, ठीक है, ये एक दिन में एक खा लेंगे, या तो चपाल खा या तो सुतर का पानी खा लेंगे। दादी के दादा दादी के पीछे पीछे थोड़ा दूरी बना के ओवर बढ़ जाओ, हां ओके खाल करिया 92.7 दादी का नाम निकला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसमें आतमपुर छपरा में कैंप लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, सैनिटाइज किए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए सरकार की गाइडलाइन का
पालन करते हुए ये टीम हमें हमेशा सदैव तत्पर है जनहित कार्यों के लिए और जनहित कार्यों के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि दवाइयां वितरित की जा रही हैं। अभिषेक मौर्य जी उसके जो हैं देख रेख में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देख रेख में दवाइयां दे रहे हैं और बुजुर्ग माता जी को समझा रहे हैं किस तरह से दवाइयां खाना है। उसको खाने के बाद दवा है, सिरप है, किट है, कुमार विश्वास जी के द्वारा दिया गया, उनके ट्रस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं सलाह कैसे दे रहे हैं। यही जन जागरूकता है, यही जो है कोविड 19 में जागरूक करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर तो पहुंच नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें कई कैंप लगाई है, कहीं देख रहे हैं, कुछ लोग डर के मारे नहीं जांच कराने जाते हैं। इसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी